का जितना फायदा नुपुर जी को हुआ होगा उतना ज्यादा आप लोगों को नहीं हुआ होगा, क्योंकि नुपुर जी का पूरे 5 साल का सिस्टमेटिक स्टडी है, तो उनके पास वो मतलब 5 साल में उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, थियोरिटिकली सी हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई एम श्योर अबाउट, आई एम नॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू। आप में से जिसको भी, बाकी लोगों को भी वो इंफॉर्मेशन होएगा, उनको भी काफी हेल्पफुल होएगा, क्योंकि ये टाइम वी आर फोकसिंग ऑन द यूजिंग दोज इंफॉर्मेशन, अप्लाइंग दोज थिंग्स। राइट हम लोग का क्लास में तो हम लोग को वी आर वेरी फोकस्ड ऑन आवर कोर्स एंड आगम को सिस्टमेटिकली पढ़ना, बट हियर आई गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सो थैंक यू सर। To be very frank, this is also an experiment for me, जहाँ पे मैंने 10 लक्षण के टाइम पे एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस होके ही बोला है। नहीं तो जी जी नॉर्मली मैं भी थियोरी बेस या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही ज्यादा काम करता था, बट दिस इज एक्चुअली दी हम लोगों ने 10 धर्म के 10 लक्षण पुस्तक को कवर किया हुआ है कोर्स में, बट इस तरह से नहीं सीखा था उस टाइम, सो इट्स रिफ्रेशिंग फॉर मी एज वेल। अपन स्टार्ट कर। Just 1 sec, let me just make sure that everything is good. जी बिल्कुल शुरू करिए। चलिए, जय जी नेमिंग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने 10 दिन की जो जर्नी स्टार्ट की थी, जब स्टार्ट किया था तब हमने बातचीत की थी 4 कषाय के बारे में। हमने आइडेंटिफाई किया था हीरो कौन है, हमने आइडेंटिफाई किया था विलेन कौन है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, 6 द्रव्य 7 तत्व एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। आज के दिन का जो लेक्चर है, वो लेक्चर के अंदर हम फोकस करने वाले हैं कि कल जो हमने समझा था फाइन लाइन, जीव और अजीव, आत्मा और जो आत्मा नहीं है अनात्मा, उन दोनों के बीच में जो स्वभाव और विभाव के बीच की जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर कैसे फोकस किया जाए, वो जो थिन लाइन है उस थिन लाइन को हम कैसे अचीव करें। नाउ व्हेन आई से अबाउट अचीविंग इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अचीविंग इन द सेंस ऑफ कि भाई ठीक है, एक अपने पेन लिया और लाइन खींच दिया। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अचीविंग इट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप उस चीज को कैसे आपकी श्रद्धा में, ज्ञान में तो आ गया लेकिन श्रद्धा में कैसे लिखे। और चारित्र्य की तो एकदम मस्ती चीज है, चारित्र्य की एक खासियत है, पता है क्या, आपकी श्रद्धा जिस पे आ गई ना, चारित्र्य उसके पीछे पीछे गुड बॉय जैसा फॉलो करता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट चारित्र्य। इट्स लाइक दिस, अगर आपको आपके पार्टनर पे एक बार भरोसा हो गया ना, उसके बाद आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसको ये एग्जांपल से बताऊंगा कि एक कपल है जो 5th स्टैंडर्ड से एक दूसरे को डेट कर रहा है, लेकिन उन दोनों के अंदर वो अपनापन, वो स्वामित्व, वो ममत्व कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरी
हस्बैंड है या मैं इसका हूँ, वो वाला जो फीलिंग है ना, वो तब तक नहीं आता है जब तक शादी नहीं होती है। एक बात बताना, शादी के उन 7 फेरों में ऐसा क्या हो जाता है कि उसके पहले तक वो व्यक्ति मेरा नहीं है, उसके बाद वो व्यक्ति मेरा है? क्या चेंज होता है? मुझे तो कुछ चेंज दिखाई नहीं देता है, मतलब ना तो लड़के में ना तो लड़की में। ऐसा नहीं है कि लड़की अचानक से इतनी मैच्योर्ड हो जाए या लड़का अचानक से इतना मैच्योर्ड हो जाए या देयर इज सम बिग चेंज, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। आपको क्या लगता है? बहमतो खाली एक ही चेंज होता है सबसे बड़ा, पता है क्या? जब तक शादी नहीं हुई है ना, आप भले लिव इन रिलेशनशिप में भी रह लो ना, तो भी आपको पता है कि अगर मुझे इसको छोड़ के जाना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज वॉक आउट ऑफ दैट डोर, That's it. लेकिन शादी हो गई ना, तो मेरे अंदर ये श्रद्धा बैठी हुई है कि शादी के बाद I cannot just walk out of that door, मेरे को डाइवर्स लेना पड़ेगा। That's the only thing. That's the only change. But Is that change such a big change कि आपकी पूरा का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाए? मतलब मैं आपको एकदम बहुत ही टिपिकल चीज बताता हूं। शादी से पहले आपका फोकस किस चीज पे होता है पार्टनर के साथ? To enjoy, to मतलब उसके अंदर ना एक responsibility होती है, but risk नहीं है, liability नहीं है। The other person is not your liability. शादी के बाद कोई आके आपको बोलता है क्या कि now your partner is your liability? कि वो अपने आप अंदर से जिम्मेदारी आ जाती है? क्यों आती है? व्हाट इज दैट वन फैक्टर विच लीड्स टू दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर और अ जिम्मेदारी? इफ यू आस्क मी देन देयर इज ओनली वन फैक्टर। पता है क्या है वो फैक्टर? श्रद्धा। यदि आपको श्रद्धा है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और यदि आपको श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी कर लो नहीं होने वाला। सेम चीज यहां पे है, स्वभाव और विभाव उसके बीच का जो हमने कल गैप देखा था, हमें खाली और खाली अपनी श्रद्धा में वो गैप लेके आना चाहिए। मेरी श्रद्धा में वो गैप होना चाहिए कि दिस इज मी, दिस इज नॉट मी, दिस इज मी, दिस इज नॉट मी।
आप समय साथ जब पढ़ोगे तो इस चीज के ऊपर आचार्य देव ने इतना फोकस किया है कि आचार्य देव ने एक एक गुण पे लिखा है कि ये गुण मेरे है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे है, ये मेरे नहीं है। आपको पता है? ऐसा कहा जाता है कि जब जिनवाणी लिखी जाती है या जब ग्रंथ को लिखा जाता है तो उस समय यदि एक अक्षर भी कम लिखना पड़े तो मुनिराज को या आचार्य देव को इतनी खुशी मिलती है जैसे कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब एट द टाइम ऑफ हैविंग अ बेबी, अ बॉय बेबी, आपको जितना खुशी मिलती है उतनी खुशी अगर आपने एक अक्षर, एक अल्फाबेट कम लिखा ना तो उसमें मिलती है। अब इसका मतलब बताओ, समझते हो क्या? इसका मतलब ये है कि किसी आचार्य देव ने सेम बात, सेम सेंटेंस, खाली एक वर्ड को चेंज करके बार बार लिखा है तो उस चीज की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि उन्होंने उसको बार बार लिखा है, नहीं तो नहीं लिखते। नहीं तो वो हर एक चीज पे सेविंग करते, हर एक ग्रंथ में एक एक अल्फाबेट की सेविंग होती है। आप सब लोगों ने ये तो, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। आज हम सब लोगों ने ये तो देख लिया क्या क्या डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है, लेकिन आपको पता है हमारी मिस्टेक किधर होती है? चलो आज मैं आपको, आप लोगों की आपकी मिस्टेक्स बताता हूं। इस पूरी दुनिया में अगर मैं अभी एनालाइज करने बैठू तो मैं आपके सामने मेरी लाइफ एनालाइज करता हूं, ठीक है? सब इमेजिनेटिव है, नथिंग इज फैक्चुअल। क्या है ना, मैं अगर आप में से किसी का नाम लेके बोलूंगा तो हो सकते है कि अननोइंगली मैं किसी को हर्ट कर दूं। मुझे सबसे सेफ लगता है अपने ऊपर घटाना और अपनी वाइफ पे घटाना, क्योंकि वाइफ को पता है ना इमेजिनेटिव है तो बुरा नहीं मानती है, ठीक है? चलिए, मेरी लाइफ में, मैं अभी 30 साल का हूं तो मेरी लाइफ में क्या क्या एलिमेंट है? मेरी लाइफ में मेरा प्रोफेशनल है, मेरी सोशल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, करियर है, बिजनेस है, उसके बाद फैमिली लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा और कुछ बचता है जो मैंने मिस किया? आध्यात्मिक लाइफ, चलिए आध्यात्मिक लाइफ लीजिए, ठीक है? इन सब के अंदर अभी मैं अगर एनालाइज करूं आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आत्मा मेरी है, मैं आत्मा हूं। उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ का आत्मा से क्या लेना देना? आत्मा का प्रोफेशनल लाइफ से कुछ लेना देना है? प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस या फेलियर का मेरी आत्मा को क्या अंतर पड़ता है?
ठीक है, मेरी सोशल लाइफ में मैं किसके साथ अच्छा हूं, किसके साथ अच्छा नहीं हूं, मैं किसके साथ बॉन्डिंग है, उस चीज का आत्मा के स्वभाव पे क्या इंपैक्ट आता है? आत्मा के स्वभाव का कुछ लेना देना है? ठीक है, मेरे फैमिली लाइफ का आत्मा के साथ कुछ लेना देना है? मतलब मेरी फैमिली लाइफ कैसी है, उस चीज का आत्मा के स्वभाव के ऊपर क्या इंपैक्ट है? अच्छा एक बात बताना, क्या इस बॉडी के साथ जो भी कुछ होता है उस चीज का इंपैक्ट मेरी आत्मा में पड़ता है? कुछ इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यदि मेरी इस बॉडी के साथ जो भी कुछ हो उस चीज का इंपैक्ट मेरी आत्मा के साथ नहीं पड़ता है, तो फिर किस चीज का इंपैक्ट आत्मा के ऊपर पड़ता है? देखो हमारी मिस्टेक यही पे ही होती है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आप में से किसने भी क्वेश्चन नहीं पूछा। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर बॉडी का इंपैक्ट तो आत्मा पे पड़ता ही है। एक बात बताना सर, अभी मैं बीमार हूं, ये अभी मुझे कुछ फिजिकली या मेरी बॉडी को कुछ इश्यू हो गया है, तो क्या मैं आत्मा पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा? वोंट आई बी डिस्टर्ब, वोंट आई बी मेरा फोकस हिल नहीं जाएगा? मेरी बॉडी में भूख लगती है, भूख 110% बॉडी की है, आत्मा की तो नहीं है। बॉडी को भूख लगती है और खाना टाइम पे नहीं मिलता है, तो आपको पता है मैं कैसा पागल हो जाता हूँ, इरिटेटिंग हो जाता हूँ। मेरा पार्टनर को भी पता है कि भाई इसको छेड़ो मत अभी, क्योंकि इसको भूख लगी और खाना नहीं मिला है। सही बोल रहे हो नरेंद्र जी, जब अपना पार्टनर भूखा हो तब उसके साथ कोई भी मजाक मस्ती करता है? नरेंद्र जी बोलेंगे ये जान लेवा खतरनाक रिस्की एडवेंचर है। अब इसी चीज के उसी समय पे ये भी देखिए कि जिस समय पे मुनिराज आत्मलीन थे और उनके ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, उनके ऊपर किसी जानवर ने आके खाना चालू कर दिया, उनके साथ किसी ने आके उनको हैरान परेशान किया, लेकिन जिस समय उन्होंने ये डिसाइड कर लिया और इस चीज को मान लिया कि मेरी आत्मा मेरी आत्मा अलग है और मेरा बॉडी अलग है, उस समय से उस बॉडी ने उनको इंपैक्ट करना छोड़ दिया। चलिए सात तत्वों में कितने अजीव है, कितने अजीव है? लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, सात तत्वों में कितने जीव है और कितने अजीव है?
कोई बता सकता है? आप सब लोगों सात तत्व के नाम पता है? मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्स लगेगा। जी नहीं, मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है? ओके, परफेक्ट, थैंक यू। चलिए, सात तत्व जो है वो बेसिकली इट इज अ केमिस्ट्री बिटवीन टू डिफरेंट द्रव्यस, एक जीव द्रव्य एक अजीव द्रव्य। इन दोनों की बीच की जो केमिस्ट्री है ना, इन दोनों की बीच की जो जर्नी है ना, उसका नाम है सात तत्व। ओके, इसके अंदर क्योंकि ये जो केमिस्ट्री होती है तो दो चीज चाहिए होते हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है जीव और एक है अजीव। जीव में भी पर्टिकुलरली आपकी आत्मा और अजीव में बाकी सब लोग। अजीव का मीनिंग क्या होता है? एनीथिंग विच इज नॉट जीव इज अजीव। होप दैट इज क्लियर। अब इन दोनों की केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब जीव और अजीव एक दूसरे के साथ होते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि इन दोनों के साथ होने से जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स, जो भी कंडीशन सिचुएशंस, जो भी क्या बोलते हैं आउटकम, जो भी इम्पैक्ट इन दोनों के साथ होने से होता है, वो सारे इम्पैक्ट का नाम है बाकी के पांच तत्व। एग्जाम्पल देता हूं, जीव को अजीव अच्छा लगा, उसको उसकी कंपनी में मजा आया, तो क्या होएगा? उसको अपने पास रखेगा, इनवाइट करेगा अपने पास। तो जीव ने अजीव को इनवाइट किया तो फिर अजीव आ गया जीव के पास। अब वो आया है तो थोड़ी देर तो रुकेगा ना। आप किसी के भी घर पे जाते हो तो आपके जाते साथ बोलते हो कि चलो नुप्पू जी आपके घर आ गया, अपन मस्ती करना चालू करते, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, चलो गेम खेलते, चलो ये करते हैं कि व्हाट यू डू। आप जाते हो, थोड़ी देर बैठते हो, बातचीत करते हो, उसके बाद आप बोलोगे कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आप बोलोगे चलो गेम भी खेल लेते हैं। ऐसे ही होता है, एम आई राइट? सिमिलरली जीव और जीव के बीच में जब इन दोनों आपस में आके मिलते हैं तो ये दोनों बोलते हैं कि चलो भाई एक काम करते हैं, अपन मिल तो गए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद अपना काम करना चाहते हैं। ठीक है, इस केस में अब दो चीज होती है, या तो ये होता है कि आप जिसके घर पे गए हो वो फुल टाइम आप रुको और एंडिंग तक जो भी आप सोच के आए थे मस्ती करने का आप सब करके जाओ, और दूसरा सिचुएशन होता है कि बीच में आपको इमरजेंसी कॉल आ जाता है और यू नीड टू ब्रेक द मीटिंग एंड लीव इमीडिएटली। ये दो ही चीजें होती है। आप जिस जो मस्ती करने के लिए जिस ऑब्जेक्टिव से आते हो आप पूरा किए बिना आपको बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। Am I right? बस यही सात तत्व है और यही सात तत्व में गड़बड़ी है। इट इज दैट इजी। जीव और अजीव ये दोनों मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जीव को अजीव पसंद आया,
तो वो उसके मन में वो भावना है कि अच्छा है मेरे को इसका टाइम स्पेंड करना है, तो आश्रय हुआ तो उसने इनविटेशन दिया, तो वो जो अजीब है वो आके उसके साथ मिला, उसके साथ रहने लगा, तो वो हो गया बंद। अब उनकी स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटीज टाइम पास चालू है। जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो वो उदय देगा, वो उसका रिजल्ट देगा, वो उसका आउटकम देगा। आउटकम देने के बाद वो क्या करेगा, टाटा बाय बाय, वो चला जाएगा। तो वो जो चला गया वो है निर्जरा। निर्जरा दो टाइप से होती है, एक होती है कि पूरा ऑब्जेक्टिव खेलना, मस्ती वस्ती करके सारा आउटकम देने के बाद चला जाना, और दूसरा इमरजेंसी कॉल आ गया तो बीच में ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, अब ये दोबारा से आएगा कि नहीं आएगा किस चीज पे डिपेंड करता है। अब चलो मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा से आप लोगों को पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा किस चीज पे डिपेंड करता है। नरेंद्र जी आप एक दो पॉइंट बता सकते हो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगा या नहीं आऊंगा उस पे? समझ पे, समय पे ना। आप उसको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? Exactly. So good. मेरे ये प्रवचन कितने अच्छे गए, बेकार गए, मैंने क्या किया, कैसे किया, doesn't matter. What matter? बहुत अच्छे प्रवचन गए लेकिन आपने नेक्स्ट ईयर मुझे इनवाइट ही नहीं किया तो, और बहुत ही बेकार किए लेकिन उसके बाद में आपने इनवाइट किया तो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही आपका पुण्य का उदय था या पाप का उदय था इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपने पुद्गल को दोबारा से इनवाइट किया है तो वो आएगा। यदि आपने कर्मों को इनविटेशन दिया है तो वो आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। हाँ, यदि आपने इनविटेशन देना रोक दिया तो उसको बोलते हैं संवर। ठीक है, और जब आपने इनविटेशन देना रोक दिया और उसकी इमरजेंसी कॉल्स बुला बुला के, मेरे को ध्यान है पता नहीं आप लोगों ने भी किया होगा आपकी लाइफ में, वो हम लोग शादी वादी में जाते हैं ना, ये ऑफिस में भी ना, हम मुझे पता है कि वो मेरे दूसरे कलीग ने बॉस ने बुलाया है, वो बहुत दिमाग को ना फ्री फोकट का टेंशन देता है और फालतू की बातें करता है, कुछ काम की बातें नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, मीटिंग में उनसे मिलने जाने से पहले किसी को बोल देते हैं कि देख अगर मैं 5 मिनट में नहीं आया ना तो मुझे फोन लगा देना और बोलना अर्जेंटली आ, अर्जेंट काम है। Am I right? सेम चीज है यहाँ पे। यदि हमें, आपको पता है वो जो दोस्त है ना जो आपको फोन देके बोलते हैं अर्जेंटली आ अर्जेंटली आ, वो दोस्त का नाम क्या है? उस दोस्त का नाम है तप। तप क्या करता है, वो कर्मों को उसका उदय आए उसके पहले ही उसको बुला लेता है कि भाई अर्जेंट काम में आजा आजा, अरे फल देना छोड़, मस्ती वस्ती छोड़, तू इधर आ पहले, और उसकी मदद से हम निजरा फटाफट कर लेते। और जैसे ही हमने सारे कर्मों का निजरा किया तो क्या होएगा, मोक्ष। अभी हमने देखा था बलून था,
उस बलून के ऊपर एक बॉन्डिंग एजेंट है फेविकॉल टाइप ऑयल टाइप जिसने कर्मों को धूल मिट्टी को बांध के रखा है। अब जब हमें धूल मिट्टी को निकालना है तो हमारे पास दो स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी है कि हमने जो किया था वो क्या किया था कि भाई जो उसका बॉन्डिंग एजेंट है ना उस पर फोकस किया था कि हम उसको कैसे डाइल्यूट कर गए और उसी को हटा दिए तो ऊपर के कर्मास अपने आप चले जाएंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जो कर्मास है ना ऊपर जो चिपके ना गंदगी धूल मिट्टी हम उसको साफ करें। इफेक्टिव तरीका क्या था? बॉन्डिंग एजेंट, इसलिए हमने उस पर फोकस किया था। अभी यहाँ पे जो तप है ना तप दो टाइप के होते हैं, एक होता है अंतरंग एक होता है बहिरंग। अंतरंग तप जो है वो बॉन्डिंग एजेंट पे फोकस करता है और बहिरंग तप जो है वो कर्मों को हटाने पे फोकस करता है। इफेक्टिव कौन सा ज्यादा होएगा? रमाकांत जी आपके हिसाब से इफेक्टिव कौन सा ज्यादा होएगा, इंटरनल की एक्सटर्नल? इफ यू आस्क मी तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंटरनल होएगा क्योंकि आप उसके रूट कॉज पे आप बॉन्डिंग एजेंट पे इंपैक्ट कर रहे हो। एक्सटर्नल में पता है क्या इश्यू आता है, आपने जो कर्मा को हटाए लेकिन अगर वहां पे अभी भी बॉन्डिंग एजेंट है तो नए कर्मा आके चिपक जाए। ठीक है, तो अभी हम फोकस करेंगे इंटरनल पे। अंतरंग तप के अंदर अच्छा तप को करने का क्या तरीका है? देखो जो 12 तप के नाम है उसके मीनिंग है वो आप लोग हो ना जिन्हें नहीं पता है वो गूगल कर लीजिए उनको। नुपुर जी 10 लक्षण धर्म की जो किताब है ना वो ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिए ताकि उसमें से लोग वो बेसिक बेसिक पढ़ ले। इट्स अ वेरी स्मॉल बुक एंड इजी बुक, हिंदी और इंग्लिश आई बिलीव दोनों में ही है, देख लीजिएगा। हाँ। अब जो धर्म अब ये जो तप है उसमें जो इंटरनल तप है उसमें आपको क्या करना है? ओके थोड़ा गलत क्वेश्चन है, लेट मी आस्क इट अनदर वे। जो अंतरंग तप है उस अंतरंग तप में आप क्या कर सकते हो? साधना। साधना क्या होता है? मेडिटेशन ध्यान। वो क्या होता है? आपने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया है, और कोई कुछ बताना चाहेगा मेडिटेशन के अलावा साधना के अलावा? नहीं यू आर नॉट ऑडिबल। Somebody was saying something? No. Okay. साधना के अलावा और कोई बता सकता है कुछ? चलिए तो अभी साधना पे फोकस करते हैं, मेडिटेशन पे। मेडिटेशन क्या होता है? Anybody? Concentrate करना। Concentrate करना। किस चीज को concentrate करना? On yourself। नहीं but किस चीज को?
किसको किसको नहीं बोल रहा हूं मैं, किसको के आंसर में ऑन योर सेल्फ होएगा, लेकिन किस चीज को कंसंट्रेट करना है, आंखों को, माइंड को, अपनी आत्मा को, अपने माइंड को, अपने माइंड को, दिमाग को, हाँ ओके ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय माइंड? You are mute, Ramakant ji, so I cannot hear you. No, I'm not mute. Oh. Sorry? चलो मैं आप लोगों को एकदम लाइफ इजी कर देता हूँ. आप माइंड बोलो या दूसरे कोई भी वर्ड्स बोलो ना, व्हाट यू एक्चुअली मीन, आपकी जो भावना है, व्हाट यू मीन टू से इज कि आपका जो नॉलेज है ना, आपका जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को फोकस करना है. अब किस चीज पे फोकस करना है? आप में से कोई बता सकते हैं किस चीज पे फोकस करना है? हेलो, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? या आई थिंक सो. नहीं आराधी जी, होस्ट को को-होस्ट बनाना पड़ेगा एक. ओह आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट, होल्ड ऑन, गिव मी वन सेक. जी बिल्कुल करिए, अभी कर लीजिए प्लीज. सॉरी आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एक्सेल शीट्स. इज माय एक्सेल शीट विजिबल? यस. चलिए, हमें फोकस किस चीज पे करना है? Anybody? आत्मा पर ही करना है, सेल्फ पे, या स्वभाव पे करना है जो कि आत्मा का ही है. आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है मैंने जो टाइप किया हुआ है? इज इट विजिबल? जी. चलिए, अब आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है? इस पूरे में से आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शन है. आत्मा पर. आपके लिए आत्मा की डेफिनेशन क्या है? आई नो दैट, आई नो इट्स कमिंग नेक्स्ट. मुझे क्या है ना, क्रिस्टल क्लैरिटी पसंद होती है. मतलब मेरा बॉस मुझे बोलता है ना कि तुम्हें ये अचीव करना, मतलब ऐसा नहीं, वेग आंसर्स मेरे को नहीं पसंद आते हैं. यू गिव मी क्वांटिफाइएबल एंड क्वालिटिफाइएबल आंसर. अब मैं आपको बोलूंगा आत्मा पे फोकस करो, आप जाके किस पे फोकस करोगे? विल यू गेट दैट क्लैरिटी? नो. और हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी के लिए तो आए हैं. अगर मैंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया, सो भाई मैंने तो अपने नजर में जिस चीज के लिए आपने मेरे को इनवाइट किया, मैंने डिलीवरी नहीं किया. स्वभाव के स्वभाव पे करो.
स्वभाव की विभव स्वभाव अच्छा सो आपका बोलना विभव विभव से हटकर स्वभाव में आ जाओ फोकस आपको ए और बी पे करना आपके हिसाब से राइट लेकिन आत्मा जो है जीव जो है इन चारों में से कौन कौन जीव है इन चारों में से जीव का कौन कौन पार्ट है आत्मा और स्वभाव ए एंड बी और विभव नहीं विभव जीव की नहीं है जीव है कैसे चलो आपको गुस्सा आत्मा को आता है कि पुद्गल को आता है पुद्गल पुद्गल को गुस्सा आता है तो भैया जो मरा हुआ इंसान है उसको भी गुस्सा आना चाहिए क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है खाली पुद्गल है क्रोध मान माया लोभ पांच पाप ये सब चीजें फिर पुद्गल में सारे पुद्गल में होना चाहिए ना चेज में होना चाहिए वॉल में होना चाहिए इन सब में क्यों नहीं है जीव भी सॉरी विभाव भी जीव का ही पार्ट है और जो आपने जो बोला ना फोकस करना ए और बी पे ये आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर ये वाला एलिमेंट मिसिंग था आपने देखा मैंने क्या ऐड किया इसका मतलब ये है कि आपका जो फोकस है मेडिटेशन के अंदर आपको जो फोकस करना है वो आपको आपके आत्मा के स्वभाव पे फोकस करना है और उस स्वभाव को और विभाव से अलग करना है आपको पता है कितना इजी काम है आप लोगों ने कभी दूध में से पानी को अलग किया है हाउ इजी इट इज उसको उबाल के निकाल देना पानी ओके एनीबडी एल्स दूध को फटा करके दूध को क्या करके फटा करके एकदम एक्यूरेट आंसर दिया आप दूध को कितना भी उबाल लो ना आई विल ये एग्जांपल इतना परफेक्ट है ना कि यू विल अंडरस्टैंड व्हेन रियलाइज हमारी मिस्टेक क्या होती है हम अगर दूध को उबाल के उसका पानी अलग करना चाहे ना कितना टाइम लगेगा बहुत टाइम लगेगा विल वी एबल टू अचीव इट आप दूध को उबाल के जो दूध को पानी को अलग करोगे ना तो उसमें जो दूध बचेगा ना वो आपके काम का ही नहीं बचेगा वो जल जाएगा ट्राई कर लेना लेकिन आपको अगर पता है एक्यूरेटली कैसे करना है तो कितना टाइम लगता है दूध को फाड़ने में वेरी लेस टाइम वन डे एक दिन तो लगेगा ना दूध को फाड़ने में अच्छा ठीक है एक घंटा तो लगेगा ना
इससे भी कम। अच्छा आधा घंटा, 15 मिनट, चलो 15 मिनट तो दोगे ना? आधा घंटा, आधा घंटा लगेगा दूध फाड़ने में? या नरेंद्र जी आपका क्या बोलना है, दूध फाड़ने को कितना टाइम लगता है आपको? 5 मिनट। 5 मिनट? Are you sure? Yeah. चलो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप सब लोगों को दूध फाड़ना है, एक ग्लास दूध ले लेना, लेकिन उसको फाड़ना और समझना उसको कितना टाइम लगता है। 5 मिनट्स। इट टेक्स लेस देन 1 सेकेंड। उबला हुआ दूध होएगा ना, वो दूध रहेगा, उसमें आपने जैसे कुछ भी खट्टी चीज डाल दिया, इमीडिएटली आपको दिख जाएगा दूध अलग पानी अलग। एक गिलास गर्म दूध में नींबू डाल के देखना, नींबू डालना और हल्का सा मिक्स कर देना, जैसे नींबू दूध के साथ मिक्स होएगा, जितने जितने पार्ट में, जितनी जितनी एरिया में नींबू दूध के साथ मिक्स हो जाएगा, वो एरिया संड करके अलग हो जाएगा इमीडिएटली। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। वैसे ही अभी ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी अपनी, जैसे आप लोगों को पता नहीं था ना कि कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है दूध और पानी को अलग करने में, हमने दुनिया भर के तरीके किए, जो राइट तरीका था उसको नहीं अपनाया। दैट इज एग्जैक्टली द मिस्टेक विच वी ऑल आर मेकिंग। हम लोगों ने बोला कि अच्छा दूध और पानी को अलग करना है, चलो मैं मेडिटेशन करता हूँ। अरे बाबा, लेकिन मेडिटेशन किस चीज पे करना है? क्या मेडिटेट करना है, व्हाट यू नीड टू डू इन मेडिटेशन, वो ही नहीं पता होएगा। सो इट्स लाइक कि अच्छा ठीक है, दूध को और पानी को अलग अलग करना है, ठीक है मैं दूध लेके मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने बैठ गया। बाबा लेकिन कैसे करना है, वो ही नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे? हमारी हालत वैसी है, और हम में से जिसको ये बात समझ में आ गया कि भाई भेद विज्ञान, वितरक विज्ञान, स्व पर भेद विज्ञान जिसको आ गया, जिसको समझ में आ गया, उसको स्व पर भेद विज्ञान का मतलब पता है क्या होता है? देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ये जीव है, ठीक है, और ये एक अजीव है। इसमें से भी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि स्व कौन और पर कौन है। दिस इज स्व, कलर विजिबल है, दिस इज पर, अभी मिस्टेक क्या होती है पता है? ये जो फाइन लाइन है ना यहां पे, ये स्वभाव विभाव, इन दोनों के बीच में जो दो वी है ना, इन दो वी के बीच में एक आपको लाइन दिखाई दे रही है जिधर कलर चेंज हो रहा है, yeah.
वो जो लाइन जितनी पतली है ना, जितनी फाइनाइट है ना, उतनी फाइनाइट लाइन है स्वभाव विभाव में। हमें बस उस चीज को आइडेंटिफाई करके उस लाइन, उसको एक लाइन के जैसा खींचना है। जिसने उसको ऐसे लाइन खींच दिया उसको सम्यक दर्शन हो गया। कितना टाइम लगेगा सम्यक दर्शन होने को नुपुर जी? एक सेकेंड। कितना? एक सेकेंड ही लगेगा। यार क्या मजाक कर रहे हो, ग्रंथों में आया है ना 48 मिनट अंतम मुहूर्त आता है ना, 48 मिनट नहीं, वो मेरा मिस्टेक था बोलने का, अंतम मुहूर्त आता है ना ग्रंथों में, तो अंतम मुहूर्त लगेगा ना सम्यक दर्शन को होने के लिए। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। वो तो अंतर मुहूर्त में तो हो जाएगा, केवल ज्ञान ही हो जाएगा। अगर यही सेम ध्यान लगा रहा, लाइन का डिफरेंस अगर अंतर मुहूर्त तक हो गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा। चलिए अब जिन जिन को समझ में नहीं आया मैं उनको समझा देता हूँ। बेसिकली हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि दूध में आपने जैसा पहला बूंद खट्टा का डाला ना, वैसे वो दूध का फटना तो चालू हो गया ऑन द स्पॉट, लेकिन क्या पूरा दूध फट जाएगा उससे? नहीं तो पूरा दूध कब फटेगा? जब वो खट्टापन पूरे दूध में फैल जाएगा, एंड दैट विल टेक टाइम। आपको उसको पूरा मिक्स करना पड़ेगा ना, मिक्स करने में टाइम लगेगा ना आपको, एम आई राइट? सेम तरीके से सम्यक दर्शन तो एक सेकेंड में हो जाएगा, जैसे आपने नींबू डाला वैसे सम्यक दर्शन हो गया, दो चीजें अलग हो गई। लेकिन मोक्ष, मुक्ति, सेल्वेशन, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तब प्राप्त होएगा जब वो अच्छे से सारी जगह पे मिक्स होके पूरा अलग हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर? अब मजे की बात बताओ, सात तत्व में से जीव तत्व यहां आता है, बाकी के छह तत्व यहां आते हैं, और जो इन दोनों के बीच का जो ये विभाव है ना, कौन सा? मोह, राग और द्वेष, ये जो बीच का विभाव है ना, विच इज एक्चुअली नथिंग एल्स बट दिस इज योर फेविकॉल। फेविकॉल पता है क्या होता है? आप में से किसी ने फेविकॉल का एड देखा है? इट्स अ ग्लू। यस, इट्स अ, इट इज नॉट जस्ट एनी ग्लू, इट्स फेविकॉल। उसका एड देखा है आपने? हैव यू सीन इट्स एडवर्टाइजमेंट? हैव यू सीन इट्स लोगो? I think if I remember Fevicol ka jod majboot, something like that. Correct. The logo is also that two elephants are pulling
a logs a part which has been stuck by fevicol. आपको पता है फेविकॉल को निकालने का तरीका? एक फेविक्विक करके एक फेविकॉल का प्रोडक्ट है जिसको आप जिधर भी लगाओगे ना ऑन द स्पॉट चिपक जाता है। कभी आपके दो उंगली के बीच में फेविक्विक लगा है? आपको उस चीज वो इतना मजबूत जोड़ होता है कि आप क्या करोगे कि अलग हो जाए। वो इतना स्ट्रांग होता है कि यदि आप इन दोनों को ऐसे चिपक गया ना, आपने इन दोनों को इधर से ऐसे हटाने भी गए ना, ऐसे हटाया ना, तो आपका स्किन उखड़ जाएगा लेकिन वो ग्लू नहीं निकलेगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस ऑन इट। फिर व्हाट इज द वे आउट कि बिना स्किन को उखाड़े आप वो ग्लू से आपके हाथ को कैसे छुड़वाते हैं? मैं बताऊं? ड्राई करते। क्या ड्राई करते? नो ड्राई ड्राई लाइक लेट इट ड्राई। अरे बाबा फेविक्विक का खासियत यही है कि आपने जैसे ही लगाया ना ऑन द स्पॉट ड्राई हो जाता है। जैसे ही ड्राई हो गया ना, जितना ड्राई होगा उतना मजबूत हो जाएगा। इसको गर्म पानी में डुबाना? एग्जैक्टली। क्यों? सो गर्म पानी से वो लूज हो जाता है, तो लूज होने से बात निकल जाता है। परफेक्ट। उसको हम ड्राई नहीं करते हैं, हम उसे वेट करते हैं और वो भी गर्म पानी से, ताकि वो निकल जाए। सिमिलरली ये जो फेविकॉल है ना, इस फेविकॉल का भी हमें तोड़ निकालना है। ये फेविकॉल को हम कैसे तोड़ सकते हैं? टप करके। परफेक्ट। जो गर्म पानी में उंगली डाल रहा था ना, तो जब आप गर्म पानी में उंगली डाल तो कैसा लगता है उंगली पे? अच्छा लगता है? वो थोड़ा जलने लगता है लेकिन बाद में निकलता है। अच्छा, वो जो जल रहा है वो अच्छा होता है कि बेकार होता है? इज इट कंफर्टेबल और इट इज नॉट? Is not comfortable but is getting it. So तप करने से अपने आपके शरीर को जो कष्ट मिलता है, लेकिन तप करना भी अच्छा है। एक मिनट, इसमें एक मिस्टेक हो गई। आप एक वर्ड आपने गलत यूज किया। ओह सो बताइए। कष्ट नहीं होता है, अनकंफर्टेबल होता है, डिस्कंफर्ट होता है। या सच्ची बात है। और हम उस डिस्कंफर्ट को कष्ट समझते हैं, यही हमारी मिस्टेक है और इसलिए हम कर नहीं पाते। लेकिन जैन में तो बोलता है ना कि तप करना वो अपने अपने शरीर को जितना कष्ट दे तो उसको ज्ञान मिलता है। सॉरी, नेवर माइंड Never mind. नहीं, I missed your line. अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि जब अपने हम तप करते हैं तो हमारे शरीर में इतना कष्ट होता है, लेकिन कष्ट करने से ज्ञान भी मिलता है। कष्ट करने से ज्ञान कैसे मिलेगा? कोरिलेशन क्या है? लॉजिकली समझाइए। ये तो मैं नहीं समझा सकती हूँ। क्या है ना, क्या है ना, मैं एक बहुत ही ना बदमाश और गंदा बच्चा हूँ। मुझे जो भी चीज लॉजिकली नहीं समझ में आती है ना, मेरे को पचती नहीं है।
ना सच्ची बात है, लॉजिक तो समझाना पड़ता है, आप बताइए। देखो बहुत सिंपल है। अच्छा आप तप करोगे ना, हाँ तो तप के अंदर आपका, मैं बस दो मिनट और लूंगा, अपना टाइम हो गया है, आई विल एंड इट टू मिनट्स। हम जब तप करते हैं ना, तो हम किस जगह पे तप करते हैं, हमारा फोकस किस जगह पे होता है? अपनी आत्मा पे। हाँ सो अगर मैंने सी और डी इन दोनों के बीच में किया है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आत्मा अलग है और बॉडी अलग है। yeah. बॉडी को कोई कष्ट नहीं होता है, बॉडी को खाली डिस्कम्फर्ट होता है। हम उसको कष्ट जैसा मानते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी इतनी एडजस्टिंग है कि यदि आप 14 दिन तक कोई भी चीज करो ना, तो वो उसको परमानेंटली एक्सेप्ट कर देती है। यहां तक कि अगर आपने 14 दिन तक उपवास किया ना, 15वें दिन आप खाना खाने जाओ ना, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी इज वेरी एडजस्टिंग, वी आर नॉट। When I say we are not, I mean to say psychologically, mentally, we are not ready to accept it. Problem body की आज नहीं है, body problem हमारी सोच की, हमारी mentality की है, हमारे ज्ञान, हमारी श्रद्धा की है। चलिए, I will take it forward tomorrow. Just remind me, हम लोगों ने किधर छोड़ा था। मैं बस एक लाइन बोल के इसको एंड करना चाहूंगा, नुपुर जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं दो मिनट में। हमें जो तप करना है, तप का होता है, तप जो है उसका ऑब्जेक्टिव है बी और सी के बीच में डिफरेंस करना, ना को ना तो सी और डी के बीच में। फोकस जो होना चाहिए है वो ये होना चाहिए है, हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ये रॉन्ग फोकस है और ये ये करेक्ट है। अच्छा ये हमारी मिस्टेक होती है। अगर आपने ये ऊपर वाले में देखा ना, तो यहाँ पे डी तो है ही नहीं कहीं पे, पता है क्यों? क्योंकि डी से क्या लेना देना, तो जो तप है, तप का फोकस स्वभाव विभाव के बीच में भेद करना है और किसी चीज पे नहीं, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको मूव ऑन कर, आपका ब्रेकअप हो गया, आपको मूव ऑन करना है, तब कैसे मूव ऑन करोगे? रूपल जी, विपिन जी और गैलेक्सी के नाम से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो लोग बताएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया अपना, आई वांट टू मूव ऑन, हाउ विल आई मूव ऑन? उसको भूल जाना और आगे बढ़ना। Divert your mind to something else. Will both of them work? अगर इतना easy होता ना भूल जाना आगे बढ़ना, तो दुनिया में कोई देवदास ही नहीं होता। वो भी चाहिए। Will अच्छी अच्छी तरह से सोचना, तो आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। नहीं I will tell you एक वर्ड में, your belief. Till the time you will believe कि that person, that partner was the best partner for you, till that time साक्षात भगवान भी आके तुम्हें move on कराना चाहे ना, तुम नहीं कर सकते।
डाइवर्ट योर माइंड, कितना भी डाइवर्ट कर लो ना, जैसे आप उसको फ्री छोड़ोगे ना, वो दोबारा से रोना चालू कर देगा। बट द मोमेंट उसको ये फील हो गया, द मोमेंट उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ओके आई हैव अ पर्सन हु इज बेटर देन द पर्सन आई लॉस्ट, और दैट पर्सन जो पार्टनर जो मैंने खोया है, दैट पार्टनर वॉज नॉट द बेस्ट पार्टनर फॉर मी, बेस्ट तो छोड़ो, ही वॉज नॉट इवन सुटेबल फॉर मी। जैसे उसको ये चीज पे बिलीव हो गया, उसके बाद आप बोलो उसके साथ स्टक होने के लिए। तो उसका मतलब तो ऐसा ही हुआ ना कि उसको भूल जाओ, नहीं पॉइंट यहाँ पे ना, भूलना का जो ट्रिक है वो ट्रिक है आपका बिलीव। अच्छा अच्छा, जब तक आपको ये बिलीव होएगा कि वो आपका है एंड ही इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, वो भूलवाना सवाल नहीं, पर इफ यू थिंक वाजंट राइट फॉर मी। Exactly. The moment you realize and you believe that that person was not right for me, after that, whatever I do, whatever I ask you to stay with that person, you won't stay. अगर आपकी शादी भी हो गई और शादी के बाद आपको ये realize होता है ना कि ये person is not right for me, आप बिना divorce के मानोगे नहीं। And if you feel कि कोई शादीशुदा बंदा है and he is perfect for you, तो भी आप उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आप उसके साथ भाग जाओगे। इट इज ऑल अबाउट बिलीव एंड दैट सेम थिंग इज वैलिड ओवर हियर। ये जो डिफरेंस है ये बिलीव का डिफरेंस है, नथिंग है। चलिए अभी आज का टाइम मैंने ज्यादा ही ले लिया है, वी विल कॉल इट अ डे। आपका आगे भी प्री कमिट अदर कमिटमेंट्स है। So how to take out your belief? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन डे वन या डे टू पे भी आया था। मैंने बोला था कि आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन उत्तम ब्रह्मचार्य डे। बट इट इज अ जर्नी, इट इज अ प्रोसेस। हम स्टेप बाय स्टेप क्लोज जा रहे हैं उसके, डेली बेसिस पे वी आर टेकिंग वन स्टेप क्लोजर। आज हमने 7 तत्व देखे और 7 तत्व संबंधी भूल देखे। 7 तत्व संबंधी भूल एक क्रिटिकल यही है कि हम मानते हैं कि ए बी सी जो है ये, इसको हम अच्छा मानते हैं और इसके बेसिस पे जो भी चीजें होती है अजीव तत्वों में, हम उस सब को अच्छा या बुरा मानते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में वो सब एक जैसा है, अजीव तत्व एक जैसा है, वो जीव तत्व जैसा नहीं है। हम अजीव तत्वों में अच्छा और बुरे की इमेजिनेशन करते हैं, जबकि उसके अंदर ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। मतलब बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो अच्छी है कि बुरी है? अगर गाड़ी आपकी है तो अच्छी है, अगर आपकी नहीं है तो बुरी है। सिंपल। आप जिस, आपका जो मकान है वो अच्छा है कि बुरा है? आपका है तो अच्छा है, आपका नहीं है तो बेकार है, छोटा है, 10 खोट निकाल दो। सिमिलरली जो फोकस है वो ये है कि 6 तत्व में अच्छा बुरा की कल्पना करना, ये 6 तत्व संबंधी भूल है, वो उसका कुछ संबंध नहीं है। दैट इज जस्ट अ सिचुएशंस और कंडीशंस और विच इज बोर्न आउट ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन स्वभाव एंड विभाव। इन दोनों की जो भी लव मेकिंग होता है स्वभाव और विभाव का, उसका आउटकम होता है बाकी के 6 तत्व। ठीक है, चलिए जिनवाण से प्रार्थना कर सकते हैं। कर सकते हैं और जिनवाण से हां,
मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश पर भास वे को भानु सी बखान जहो द्रव जान वे को बंद दिवे को जयनेन्द्र आपको बुक बता देता हूँ। एक रेफरेंस बुक है तत्वा सूत्र, जिसके ऊपर से सात तत्व के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा रेफरेंस बुक है समय सा, जिसके अंदर से हमने स्वभाव और विभाव के बीच में जो डिफरेंस है वो समझा। जय जयनेन्द्र Okay, Jai Jinendra, everybody. Jai Jinendra. And thank you.